ये ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे, ये टूट के किसी को चाहना, ये ज़िंदगी एक साथ बिताने के सपने, न जाने कितने वैशाली काल के गाल में समा गए इस मोहब्बत के बहाने। प्यार की जंग आखिर हार गई वैशाली, ना प्यार मिला ना प्यार ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने दिया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, जिंदा दिली से जीने वाली चुलबुली वैशाली ने इतने कम समय में ही टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ससुराल सिमर का मैं अपनी अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के दिल में एक ख़ास जगह बना ली। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और वैशाली भी एक मॉन्स्टर के प्यार में पड़ गई। उसे क्या मालूम था कि यही प्यार यही भरोसा एक दिन उसके गले की फांस बन जाएगा। वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा, उसके एक एक शब्द से उसका दर्द छलकता है। पत्नी बच्चे होने के बावजूद वैशाली को इतना तंग किया गया कि उसने हार मान ली और इस दुनिया से अलविदा कह चली। मैंने उनके सुसाइड नोट को हिंदी में ट्रांसलेट किया और सबको वैशाली का दर्द सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों अब वक्त आ गया है प्यार अंधा होता है वाली कहावत को डिनाई करने का, और उसके ये शब्द शायद एक सीख दे सकें कि बिना परखे बिना जाने बिना एक दूसरे को समझे जो प्यार हो जाए वो महज एक आकर्षण है जो अपोजिट जेंडर से हो जाता है। प्यार करो किसी से तो समझदारी के साथ। ईश्वर ने एक ज़िंदगी किसी के प्यार में पड़ के बर्बाद हो जाने के लिए नहीं दी है। हालांकि ये सब कहना बहुत ही आसान है, वो कहते हैं ना जोई तन लागे सोई तन जाने और न जाने कोई, यानी जिसको भुगतना पड़ता है जो वास्तविक दर्द है वो उसी को पता होता है। दोस्तों ये सारी बातें तो और भी होती ही रहेंगी, पहले आइए जानते हैं पढ़ते हैं कि क्या कह के गई वैशाली अपने आखिरी शब्दों में। माँ पापा बस ना आप बहुत परेशान हो लिए आप लोग भी मेरे लिए और मैं भी खुद के लिए। ओनली आई नो कि मैंने क्या जंग लड़ी है 2 साल में। राहुल नवलानी ने मेरे साथ क्या क्या गलत किया मैं बता भी नहीं सकती। किस तरह मेरा शोषण किया, इमोशनली फिजिकली अब्यूज़ किया, और आखिरकार उसने जो कहा था उसने वही किया, मेरी शादी नहीं होने दी। उसने कहा था तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा और उसने वही किया। आई लव यू माँ पापा, अगर मैं बुरी बेटी थी तो मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़। राहुल को सजा दिलवाना मुझे 2.5 साल से मानसिक तौर पर परेशान किया हुआ था, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आई क्विट वैशाली। कितनी आसानी से हमने पढ़ और सुन लिया। कितनी ही वैशाली निर्भया अंकिता जैसी लड़कियां आए दिन अपनी जान गंवाती है। सोशल मीडिया पे एक मुहिम छेड़ी जाती है, हैशटैग लगाए जाते हैं जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर वैशाली। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर एक वैशाली को एक निर्भया को या एक अंकिता को जस्टिस मिल भी जाएगा तो उन लाखों वैशालियों का क्या जिनकी गिनती ही नहीं, जिनको कोई जानता ही नहीं, जो मर गई और पता भी नहीं चला। इसीलिए ये लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे मैं वीडियो बनाना चाहती थी कि खुद ही जागना पड़ेगा, खुद ही सशक्त होना पड़ेगा, खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस ज़िंदगी को किसी को ख़राब करने का हक मत दीजिए। ये हक अपने पास रखिए कि इसको आपने कैसे गुजारना है। इसी के साथ वैशाली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और कातिलों को सजा देने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, कानून पे भरोसा रखें, और भगवान उनके परिवार को भी इस तकलीफ को सहन करने की शक्ति दें। नमस्कार।